दिनाजपुर जिले के चोपड़ामारी इलाके में तृणमूल व कांग्रेस के बीच हुए मुठभेड़ में कांग्रेस के दो कार्यकर्ता गोली लगने से घायल हो गए। कांग्रेस का आरोप है कि पुलिस द्वारा चलाई गई गोली से कांग्रेस कार्यकर्ता घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 17-18 जन गुली गए একটা ঝগড়া হয়েছে আর রাত্রে বেলা আর কি নিয়ে ঝগড়াটা ঝগড়া হয়েছে ভুটকা ফুটাইছে বাড়িতে কে ফুটাইছিল টিএমসি লোক ফুটাইছে বাড়িতে আমার নিজের বাড়িতে ভুটকা ফুটাইছে ভোটের বোম পড়ছে বলছে কংগ্রেসের লোক বোম ফেলাইছে চুপচাপ রাত্রি করে কিছু হয়নি এখন মোটামুটি 11:30 পুলিশ গিয়ে পুলিশ বলতেছে জারি কর বাড়ি চলে গেল পুলিশ গিয়ে কী পুষলো কী না আমাদের এখানে আছে লাঠিচার্জ একদম পুরো শুরু লাঠিচার্জ করতে করতে একদম গুলি এরকম গুলি পানির মতো গুলি ছাড়তেছে একেবারে কেউ থাকা যাচ্ছে না আমি তো জানি না সিধা সাদা ভাবে রাস্তায় আছি আমি আমি কি জানি যে গুলি ছাড়বে ওরা কে করছে গুলি করছে পুলিশ পুলিশ তাহলে পুলিশের গুলিতে পুলিশের গুলিতে হয়েছে পুলিশের গুলিতে লেগেছে দুইজনকে পুলিশের গুলি লাগেছে। उत्तर दिनाजपुर जिले के करणदीघी वन दफ्तर के अधिकारियों ने एक मुर्गी बेचने वाले से विरल प्रजाति की बिल्ली को बरामद किया। बिल्लियों को गुरुवार रायगंज कुली पक्षी निवास में भेज दिया गया। हालांकि इस मामले में किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। उत्तर दिनाजपुर जिले के मुसफानगर ग्राम पंचायत में एक मुसफानगर.gp.in नामक वेबसाइट का उद्घाटन किया गया। ग्राम पंचायत के कर्मियों ने बताया कि इस वेबसाइट के जरिए हर व्यक्ति को जन्म तिथि से लेकर मृत्यु तक की हर जानकारी मिल सकेगी। আমাদের জেলাতে প্রথমবার কোন জিপি নিজস্ব ওয়েবসাইট লঞ্চ করেছি। এখানে এই গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন তথ্যগুলো আগামী দিনে আপলোড থাকবে, যেগুলো মানুষ বাড়িতে বসেই যে কোনো জায়গা থেকে দেখাশোনা করতে পারবে। ग्रामीण डाकघरों के कर्मचारियों के मामले में केंद्र सरकार की अनदेखी किए जाने वाले बर्ताव को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए मारुट घाट में मंगलवार से किए जाने वाली हड़ताल गुरुवार को भी जारी रही। डाक कर्मियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक वे हड़ताल को यूं ही आगे भी जारी रखेंगे। लगातार चल रही है তার এগেনস্টে আমাদের ধর্মঘট। আমাদের ডিমান্ড, মূল ডিমান্ড হচ্ছে জিডিএস কর্মচারীদের যে পে কমিশনের রিপোর্ট, সেখানে কমলেশচন্দ্র কমিটি ইতিবাচক সুপারিশ আছে সেগুলোকে কার্যকর করতে হবে। আজকে 29 মাস হয়ে যাওয়ার পরেও সেইগুলো হচ্ছে না। বিভিন্ন রকম কর্মসূচির মধ্য দিয়ে আমরা এগিয়েছিলাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনো ফল না হওয়ার জন্য আমরা আজকে ধর্মঘটের পথে নেমেছি। কতদিন থাকবে অনিশ্চিত, মানে লাগাতার ধর্মঘট চলবে যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের ডিমান্ডগুলো সরকার না মানবে। उत्तर दिनाजपुर जिले के 31 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग से गोपनीय सूत्रों द्वारा मिली जानकारी के आधार पर पांजीपारा फाड़ी के पुलिस ने एक लॉरी में तलाशी अभियान चलाकर 16 गाय को जब्त किया। साथ ही पुलिस ने इस मामले में लॉरी चालक व खलासी को गिरफ्तार किया। उत्तर दिनाजपुर जिले के चंडी तल्ला इलाके में एक दुकान में चोरी करते हुए पकड़े जाने पर एक युवक को जनता ने एकजुट होकर मारा पीटा। घटना की जानकारी पाकर रायगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, वह व्यक्ति को गिरफ्तार कर अपने साथ थाने ले गई। मालदा टाउन स्टेशन में शुक्रवार की दोपहर 12 बजे अचानक खतरे की घंटी बजने से आरपीएफ, जीआरपीएफ, जीआरपी समेत स्टेशन पर रेस्क्यू टीम व मेडिकल टीम की अफरा तफरी मच गई। बाद में पता चला कि पूर्व रेलवे के मालदा डिवीजन की तरफ से ये एक परीक्षा चल रही थी, जहां पर शिक्षा दी जा रही थी कि आपातकालीन स्थिति में कैसे काम किया जाए। आज ये रेलवे एक्सीडेंट का मॉक ड्रिल हो रहा है। ये हम लोग इसलिए करते हैं देखने के लिए कि हमारा रेलवे का स्टाफ और ऑफिसर्स कितना प्रिपेयर्ड है कि अगर सचमुच में एक्सीडेंट हो जाए तो हमारी सारी तैयारी है या नहीं है। उसके लिए हम पूरा ये एक मॉक ड्रिल करते हैं NDRF के साथ में। इसमें हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो ART एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, ARME एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल व्हीकल, ये सारे इसमें जो औजार हैं, स्ट्रेचर्स हैं, फर्स्ट एड बॉक्स है, ये सब तैयारी में है या नहीं है। स्टाफ तैयार है, हूटर बजता है सुबह, सारे लोग उसको ART और ARME को एक्टिवेट करते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, एम्बुलेंस आती है, और ARME में हमारा एक ऑपरेशन रूम भी है। वो सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं कि हम लोग तैयारी हमारी पूरी है या नहीं है। हमारे जितने भी औजार हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ट्रेन कटिंग के लिए
बॉडीज़ को निकालने के लिए जो इंजर्ड पैसेंजर्स हैं तो उनको हम लोग कैटेगराइज करते हैं कि कितना इंजरी है। कांग्रेस सीपीएम व बीजेपी की तरफ से गुरुवार को उत्तर दिनाजपुर जिले के दासपारा समेत अन्य कई इलाकों में कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत को लेकर 12 घंटे की हड़ताल बुलाई गई। शुक्रवार को मुर्शिदाबाद जिले में भारत सरकार के श्रम व कर्म संस्थान मंत्रालय के आंचलिक ईपीओ कार्यालय को जंगेपुर से लेकर जिला सदर शहर बहरमपुर में लाया गया। আমার বিশ্বাস বহরমপুর শহর তারা গোটা মুর্শিদাবাদ জেলার মানুষ চরমভাবে উপকৃত হবে। তারা দজন দজন করে একটা গ্রুপ করে তারা রেজিস্ট্রেশন করবে, তারা সব রকম অর্থনৈতিক পরিকাঠামো সাহায্য তারা পাবে এবং আমরা এই ইপিএফ অফিসটাকে আরও সুন্দর করে চলুক, আমরা পৌরসভার তরফ থেকে সব রকম সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবো। মানুষের কি সুবিধা হলে গরমকে নিশ্চয়ই হবে, ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টার তাকে এত দূর থেকে কোথায় যেতে হচ্ছে না, তারা এখানেই থাকছে আর ওখানে ইপিএফ অফিস যেটা ছিল সেখানে ধরুন বিল্ডিংয়ের কন্ডিশন ভেরি কোয়ালিটি খুব লো ছিল। দ্বিতীয় নম্বরে যে আমাদের যে এনএইচে রাস্তা হচ্ছে সেই রাস্তা থেকে সেটা ভেঙে দেওয়ার জন্য অলরেডি তারা একটা চিঠি পাঠিয়েছে এবং সেখানে একটা জায়গা নিয়ে প্রকৃত একটা জায়গা নিয়ে তার এমপ্লয় 100-150। शुक्रवार को मालदा जिले के कालियाचक में दो बदमाशों के बीच हुई झड़प में गोली लगने से एक स्कूल छात्र घायल हो गया। घायल छात्र का नाम अब्दुल करीम खान बताया जा रहा है जो कि 11वीं श्रेणी का छात्र है। घटना के बाद छात्र को घायल अवस्था में मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया।